रायबरेली से नामांकन के पहले और बाद में सोनिया गांधी का मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं से मिलना अब सियासी बवाल में बदलता जा रहा है। बीजेपी इसे वोटों का सांप्रदायिकरण बताकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है, लेकिन सोनिया तो यही कह रही है कि हमने ऐसा कभी नहीं किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को रायबरेली से अपना नामांकन तो दाखिल कर दिया, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरुओं से मुलाकात और उनसे वोट अपील की खबर का मसला अब चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गया है। सोनिया पर राजनीति को सांप्रदायिकता की चादर में लपेटने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से उस खबर पर गौर फरमाने को कहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कथित तौर पर मुसलमानों से ये अपील की कि लोकसभा चुनाव में वो बटे नहीं। सोनिया गांधी ने मंगलवार को जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के नेतृत्व वाले दल से मुलाकात की थी। बुधवार को सोनिया ने उत्तर प्रदेश के तकिया मैदानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मौलाना अबुल हसन नदवी उर्फ मियां अली के घर का भी दौरा किया। हालांकि वोटों के सांप्रदायिकरण के बीजेपी के आरोपों पर सोनिया ने यही कहा कि कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। सोनिया मुस्लिम धर्म गुरुओं से अपनी मुलाकातों पर कतई भी फिक्रमंद नहीं है, लेकिन बीजेपी इसी आस में है कि कम से कम चुनाव आयोग उनकी अपील पर जरूर दखल देगी। कल्याण से कमलेश सुतार और विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।